यहाँ रह सकते हो? मैं तो कहीं भी रह लूंगा सामी। अरे ये बोर्ड इधर, ये तुम क्या कर रहे हो? अभी तो आप हंस रहे हैं सामी, लेकिन देखते रहिए, बहुत जल्दी आपकी किस्मत बदलने वाली है। हम बारिश को दोष क्यों दें सामी? लोगों की नीयत बुरी है, इसीलिए बरसात नहीं होती। हमारी काली बकरी ने एक बच्चे को जन्म दिया है और वो भी काला है। एक दो तीन, और एक कहाँ गई? मुझे मालूम है वो मुर्गी कहाँ गई है। जरूर उस अन्नामलाई के पेट में होगी। मेरी मुर्गियाँ चुराता है और उसे पका कर खा जाता है। देखना मैं क्या करती हूँ। यही है वो। ए, मैंने सुना तुम इस औरत की मुर्गियाँ चुराते हो। मैंने नहीं चुराई सामी, ये औरत झूठ बोल रही है। क्या? मैं झूठ बोलती हूँ? हाँ, झूठ बोलती हूँ। देखिए सामी, ये पंख कहाँ से आया? वो जेल से। ए, सच सच बता, ये पंख कहाँ से आया? नहीं तो जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। मैं झूठ नहीं बोलता सामी, इसकी मुर्गियाँ यहाँ पड़ा दाना खाने आई थी, मैंने भगा दिया। क्या बुरा किया? ठीक है ठीक है, इस बार मान लेता हूँ। अगर फिर से मुर्गियाँ घूमी तो मैं तुम्हें सीधे जेल भिजवाऊंगा, समझे? सामी, आपने तो उसे सर पर चढ़ा रखा है। आप जानते हैं वो कितना बड़ा चोर है? कौन? आप किसकी बात कर रही है? और कौन? वही आपका माली अन्नामलाई। आप जब घर में नहीं रहते हैं ना, सारा दिन गेट पर खड़ा रहता है और सबसे बातें करता है। मुझे तो लगता है दाल में कुछ काला है। आप जानते हैं वो मेरी मुर्गियां चुराता है और आपके बगीचे का फूल बेचता है। ठीक है, मैं उससे बात करूंगा। सामी, आपके लिए एक और टेलीफोन आया था। आप नहीं थे तो मैंने कहा कौन है, तो कह रहा था, क्या कह रहा था, हाँ ट्रंक ट्रंक। तो मैंने कहा जाओ, यहाँ कोई ट्रंक या बैग नहीं है और सामी घर पर नहीं है। ट्रंक? हे भगवान, ये तुमने क्या किया? बाहर से फोन आया होगा अन्नामले। ट्रंक काल का मतलब वो फोन जो बाहर गांव से आता है। वो सब मुझे नहीं पता, जब आप ही घर पर नहीं है तो मैं ट्रंक कैसे देता। खैर सुनो, मैंने कहा था ना बाहर जाकर बेकार की बातें मत करना। वो पड़ोस की औरत कह रही थी तुम बगीचे से फूल चुरा कर बेचते हो और उसकी मुर्गी अभी चुराई है। अयो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सामी, वो बकवास करती है। किसी ने भगवान की मूर्ति पर चढ़ाने के लिए फूल मांगे थे तो मैंने दे दिए। भगवान कसम मैंने नहीं बेचे सामी, मैंने नहीं बेचे। वो औरत पागल है, मेरे बारे में ऐसे कहती है वो। अन्नामलाई के बारे में, उसे देख लूंगा मैं, देख लूंगा उसे। मैं चोर हूं, मैं चोर हूं। जब मेरे अप्पा ने मुझे चोर कहा तो मैंने घर छोड़ दिया, मद्रास में जाकर कूली का काम करने लगा। मैंने बहुत मेहनत करके खाया है। जब मैं वापस लौटा तो मैंने अप्पा के हाथ में 100 रुपए रखे और कहा अगर आपका बेटा चोर होता तो यह पैसा लाकर नहीं देता। मेरी पत्नी मर चुकी है, अब मेरी पोती स्कूल जाती है। अगर मैं चोर होता तो क्या मेरा दामाद सरकारी नौकरी करता? हम गरीब जरूर हैं लेकिन हमारी भी कोई इज्जत है, चोर कहती है। अन्नामले, यहां तुम्हें कोई नहीं सुन रहा है, दीवारों से क्यों बातें कर रहे हो? आपको नहीं पता सामी, दीवार के पीछे कान लगाकर वो मेरी हर बात सुन रही है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मुर्गी चोर कहने की? मुझे क्यों चाहिए उसकी मुर्गी? उसकी मुर्गी है, वो जो जी चाहे करे, मुझे क्या।
अगर फिर से उसकी मुर्गी मेरे बगीचे में आई तो मैं उसका गला काट दूंगा स्वामी, कह देता हूं। ये बेल क्यों मर गई? लगता है इसकी बुरी नजर लग गई तुझ पर। अन्नामलै, तुम्हारा पत्र आया है। मैं अपने भाई के चरण कमल को प्रणाम करते हुए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मेरे भाई को स्वस्थ रखे। वो टेलर अपनी मशीन दूसरे टेलर को बेचकर भाग गया है। अब तो ऐसा ही होगा अगर आप अपने भाई बंधुओं से इतनी दूर रहोगे तो। आपका भाई अमावासी। ये बीज किसके हैं? फूल के। ये टेलर इतने बदमाश और गैर जिम्मेदार क्यों हो गए हैं? और तो और बचा कुचा कपड़ा भी चुरा लेते हैं। टेलर हो या कारपेंटर, मुझे उनसे क्या लेना देना सामी, मैं किसी से नहीं डरता। हाँ, तुम्हारे भाई ने जो लिखा है वो कौन टेलर है? वो एक बदमाश और धोखेबाज आदमी है सामी। मुझे एक बार एक मनी ऑर्डर आया था, उस टेलर को इस बारे में कहीं से पता लग गया और वो मेरे पीछे ही लग गया कि उसे मैं एक नई सिलाई की मशीन दिला दूं। मैंने उसे इसलिए थप्पड़ मारा कि उसे मेरे मनी ऑर्डर के बारे में कैसे पता लगा। चूंकि मैंने उसे थप्पड़ मारा, गांव के बड़ों ने मिलकर यह फैसला किया कि मैं उसे पैसे दे दूं। उन्होंने तुम्हें पैसे देने के लिए क्यों कहा? वो होते कौन है? ऐसा ही है हमारे गांव में सामी, जब बड़े कहते हैं तो हमें मानना ही पड़ता है, इसलिए मुझे पैसे देने ही पड़े। वो हमारे चबूतरे पर बैठने का किराया भी देता रहा और ब्याज भी। वो टेलर चला गया, अब एक नया टेलर वहां बैठ रहा है। वो ना तो किराया देता है ना ब्याज, अब हम क्या करेंगे सामी? हमें सोने के लिए भी जगह नहीं है। वो नया टेलर वहां से नहीं हटता और घर के अंदर बकरी और उसका बच्चा बंद है। घर के बड़े मुझसे पूछते हैं कि कहां सोए। मेरी बीवियों ने मुझे धमकी दी है कि अगर वो इसी तरह सड़क पर सोती रही तो वे अपने मायके चली जाएंगी। इसमें कौन सी नई बात है सामी, ये औरतें तो हमेशा अपनी मायके भागती हैं। बस इन्हें मायके जाने के लिए एक छींक का बहाना ही काफी है। वो मेरा भाई है ना, पक्का डरपोक है, डरपोक। उस टेलर को भगाकर मशीन को बकरी के साथ अंदर रख दे तो वो चबूतरे पे सो सकते हैं, है ना? वो टेलर जो है ना सामी, बड़ा पहलवान है और मेरा भाई 9 बच्चों का बाप होते हुए भी मच्छर है, मच्छर।
क्या तुम पौधों को पानी नहीं डालोगे? वो मर जाएंगे। सामी, मुझे अपने गांव जाना है। चले जाना, पर इतनी जल्दी क्यों? मुझे बॉन्ड बदलना है, नए टेलर पर बनाना है, मुझे जाना ही होगा सामी। कब जाना है? वो जब आप कहें। मैं तो कहूंगा तुम जाओ ही नहीं, मैं अब तुम्हें छोड़ भी नहीं सकता। मैं सोच रहा हूं रामेश्वरम की तीर्थ यात्रा पर होकर आऊं। हाँ सामी, अच्छी जगह है, एक बार हो आइए, पुण्य मिलेगा। आपके आने के बाद ही मैं चला जाऊंगा। सामी, मुझे जाना ही होगा सामी। हाँ जा सकते हो, पर मेरे रामेश्वरम से आने के बाद। कब जा रहे हैं आप? मैं कुछ और लोगों का इंतजार कर रहा हूं, 10 दिन में चला जाऊंगा। सामी, कल मुझे जाने दीजिए। जब आप तीर्थ यात्रा पे जाने लगेंगे तब तक मैं लौट आऊंगा और घर की देखभाल भी करूंगा। क्या हम यहीं खड़े होकर फैसला करेंगे? कम से कम मुझे घर के अंदर तो जाने दो। तुम क्या सिर्फ 10 दिनों के लिए जाना चाहते हो? हाँ सामी, अब मुझे वो बॉन्ड फिर से लिखवाना है। मुझे वहां जाकर लोगों को जमा करके उस पहलवान टेलर को वहां से भगाना है सामी। चाहे मुझे इसके लिए खून भी बहाना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं 10 दिनों में आ जाऊंगा सामी। तुम इतने सारे काम 10 दिनों में करना चाहते हो? क्यों, तुम्हें यकीन है ये सब काम 10 दिनों में हो जाएंगे? हो सकता है एक दिन इधर या उधर हो जाए, लेकिन मैं अपने वादे के मुताबिक जरूर आऊंगा सामी। एक बार आ गया ना तो 2 सालों तक फिर नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं भेज सकता। मुझे ये बॉन्ड फिर से लिखाना है, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी सामी। गांव में मुझ पर लोग हंसेंगे। अच्छा, वो जरा बॉन्ड पेपर दिखाओ। टेलर के बारे में या मशीन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ। जरा देखना सामी, रंगा का नाम जरूर होगा। हाँ हाँ, रंगा का नाम तो है, पर यह कहीं नहीं लिखा है कि वो टेलर है। कोई भी हो सकता है, कचरा उठाने वाला भी। नहीं सामी, ऐसा नहीं हो सकता। आप पढ़कर बताइए ना इसमें आखिर क्या लिखा है। सुनो, तुम ये बॉन्ड पेपर रखो, ये बेकार है। मैं तुम्हें 100 रुपए देता हूं, रख लो। लेकिन सामी। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें गांव जाने के लिए कितना पैसा खर्चा होगा? लगभग 10 रुपए पैसेंजर से। और आने के लिए 10 रुपए है ना? तुम्हें पता है
आने जाने में अब तक तुमने कितना पैसा खर्चा किया होगा? मगर वो मुझे बैज भी देगा। देखो, तुम ये बॉन्ड पेपर मुझे दे दो और उतने पैसे मैं तुम्हें दूंगा। तुम यही रह जाओ, समझे? आप ये सब नहीं समझेंगे सामी। जब तक ये बॉन्ड मेरे पास है, मैं कभी भी कोर्ट जा सकता हूं। कोर्ट जाओगे और कोर्ट में और भी पैसा खर्चा करोगे? अरे, इस बॉन्ड को जला दो तो काम सस्ते में हो जाएगा। समझो मेरी बात। आप समझने की कोशिश कीजिए सामी। मैं ये सब केवल पैसों के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे धोखा दे। ये सब अच्छा नहीं लगता मुझे। मैं 10 दिनों में आ जाऊंगा ना सामी। ठीक है, जो मैं कह रहा हूं वो तुम नहीं समझ रहे हो। अब तुम्हारा मन यहां काम पर नहीं है। मुझे कुछ भी हो जाए, तुम्हें क्या? मुझे तो लगता है तुम्हारी वजह से मुझे अपने प्रोग्राम बदलने होंगे। अब क्या करें? सामी, क्या है? सामी, मैं आज 8 बजे की गाड़ी से जा रहा हूं। ये लीजिए कमरे की चाबी। देख लीजिए सामी, देख लीजिए, कहीं मैंने आपका कुछ चुराया तो नहीं? वो औरत मुझे मुर्गी चोर कहती थी। मैंने कभी जिंदगी में चोरी नहीं की सामी। इतने साल यहां रहकर इस तरह घर छोड़कर जा रहे हो? मेरी तबीयत ठीक नहीं है सामी। यहां मरकर मैं आपके घर को बदनाम करना नहीं चाहता। मुझे अपने गांव में मरने दीजिए। अगर मैं वहां मरा तो मेरी लाश पर नया कपड़ा और फूल चढ़ाएंगे और बहुत सारे लोग शमशान तक मुझे ले जाएंगे। अगर मैं यहां कमरे में मरा जब आप नहीं होंगे तो मेरी लाश सड़ जाएगी सामी, और म्युनिसिपैलिटी वाले मुझे कचरे की तरह उठा ले जाएंगे। मैं इस घर में भूत बनकर भटकना नहीं चाहता सामी। मैं अपने गांव में शांति से मरूंगा। आपके बगीचे के सभी सामान उसी कमरे में है सामी। आप चाहे तो देख सकते हैं, मैं कुछ नहीं ले जा रहा हूं, कुछ नहीं। मैं इसे नहीं देखना चाहता हूं, बंद करो। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए कुछ पैसे लाता हूं। अन्नामलै हर महीने बिना भूले आपको पत्र लिखता है ना? हाँ। इतने साल हो गए, कुछ भी नहीं बदला। आज भी वो उसी अंदाज में भारी भरकम शब्द लिखता है। देखो, मेरे मालिक, आप जैसी बड़ी हस्ती के सामने मैं नाचीज कुछ कहने की जरूरत कर रहा हूं। आपके चरण कमलों में मैंने अपने जीवन के दिन गुजारे। आपने खाना दिया, पैसे दिए, आसरा दिया। आपको पत्र लिखने का कारण यह है कि मेरी तबीयत दिन ब दिन गिरती जा रही है और मुझे इलाज के लिए
पैसों की बहुत जरूरत है। इस बार फसल भी खराब हुई है, खाने तक को पैसे नहीं है। मेरे भाई को वैसे भी 2 बीवियों और 9 बच्चों को पालना है, वो मेरी देखभाल नहीं कर सकता। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इस पत्र को पत्र ना समझकर तार समझिए और जल्द से जल्द मुझे पैसे रवाना कीजिए। आप उसी को क्यों नहीं वापस बुला लेते? आप भी अकेले हैं, आपको उसकी जरूरत है, वो आपके सब काम संभालेगा। देखिए ना, आपका बगीचा भी कैसे जंगल की तरह लग रहा है। प्रिया अन्नामलै, आशा है ये पत्र पढ़कर तुम्हें खुशी होगी। मैं इस पत्र के साथ 100 रुपये भेज रहा हूं, तुम अपना ख्याल रखना।